दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। आज हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या के बारे में, तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर, ब्रेक पर जाने से पहले आपने ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बताया, उसके लक्षण बताए, उसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है ये बताया, क्या टेस्ट करने होते हैं ये बताया, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये ऑस्टियोपोरोसिस की जो समस्या है उस पर ध्यान देना, उसके बारे में अवेयरनेस करना ये क्यों जरूरी है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हर चीज सबब चाहिए लोगों को, ठीक है, अगर है बोन कमजोर तो है, क्या होगा जी? तो मैं एक मॉडल है मेरे पास, ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसके लिए नॉर्मल हड्डी को जानना जरूरी है जी। ये नॉर्मल हड्डी है अपनी हिप की, कूले की, तो इसमें जो अंदर की डेंसिटी है दिख रही है आपको, ये बारीक बारीक खोले एकदम स्मॉल है, वो जरूरी है, ये पैटर्न है, इसमें अंदर कैल्शियम बैठता है, ब्लड सप्लाई घूमता है, तो ये नॉर्मल है जो आप देख रहे हैं। अब जब ऑस्टियोपोरोसिस आएगा तो ये खोखली हो जाएगी, ये जो है ना, ये मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा जो दीमक खा गया है जी। समझो वैसा ही, बस दीमक खाया हुआ है, जब तक टच नहीं कर रहा को ठीक है, जात लगेगा पूरा कबड़ गिर जाएगा, उस तरह से होता है। तो ये बोन फिर जरा सी मार पे, एकदम हल्की सी चोट पर, खाली कुर्सी पर जोर से बैठने से भी ये फ्रैक्चर हो जाता है, ये फ्रैक्चर है, ये बहुत कॉमन है। यानी मेरे ख्याल से हर थर्ड फ्रैक्चर जो आप देखोगे, हम देखते क्लिनिक में, वो ये फ्रैक्चर होता है। और ये हर थर्ड फ्रैक्चर ओल्ड में होता है और हर थर्ड फीमेल में होता है, इतना इम्पोर्टेंट है। यानी एक तरीके से बताया जाए तो हर 3 सेकंड में दुनिया में कहीं ना कहीं ये वाला फ्रैक्चर हो रहा है जो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, हर 3 सेकंड में। हम बात करें कहीं 3-4 गिर गए होंगे और जा रहे होंगे हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जी। तो ये है इसका प्रॉब्लम। तो इस फ्रैक्चर से बचने के लिए आपको इस खोखलेपन को नॉर्मल करना पड़ेगा, जिसके लिए जानना जरूरी है कि मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं, और है तो कितनी मात्रा में है, डॉक्टर से मिलना है और उसको चेक कराकर इलाज करके इस फ्रैक्चर से बचना है। बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा आपकी लाइफ चेंज कर देगा। एक फ्रैक्चर खर्चे, डिपेंडेंसी, ऑपरेशन है, सही भी हो ना हो जी, तो वो सब तकलीफें एक साथ आ जाएगी। तो एक छोटी सी भूल या एक छोटा सा इग्नोरेंस आपको बहुत नुकसान देगा जी। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जी, ऐसा कहा जाता है जी, कि एहतियात इलाज से बेहतर है जी, बेहतर ही नहीं, इलाज से सस्ता भी है, सस्ता ही नहीं आसान भी है, आसान ही नहीं कंप्लीट भी है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इजियर देन क्योर, फास्टर देन क्योर, सिंपलर देन क्योर एंड कंप्लीट देन क्योर जी। डॉक्टर, अभी जो आपने समझाया कि हमारी हड्डियां कमजोर होना यानी हमें ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होना, तो मुझे आपसे ये पूछना है कि कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि हड्डियों की कमजोरी मतलब कैल्शियम की कमी, तो हमें डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? बाजार में तो ऐसी कई सारी गोलियां मिलती हैं जिनसे हमारा कैल्शियम बढ़ जाता है, तो हम वो ले लेंगे, तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी क्यों है ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। अगर आपका मोबाइल थोड़ा हल्का सा कुछ मैं बराबर चल नहीं रहे तो आप क्या खुद ठीक करेंगे इसको? नहीं नहीं, आप जाएंगे, क्योंकि मोबाइल है ना जी, आईफोन महंगा वाला है, कुछ बिगड़ गया, डेटा पूरा चला गया, सारे मिल गए। तो ये जो चीज सिर्फ 1.5-2 लाख की है उसका आप ख्याल करके बराबर जा रहे हो सेंटर पे, तो बॉडी के लिए डॉक्टर पास नहीं, बॉडी आपकी सबसे महंगी चीज आप पजेस कर रहे हो आज की तारीख में, उससे महंगा कोई चीज आपके बॉडी पर, जिसम में या पॉकेट में नहीं है। और डॉक्टर के पास जाने से 3 फायदे हैं। एक तो ये है कि नहीं ऑस्टियोपोरोसिस मालूम पड़ेगा जी। हर हड्डी का दर्द कैल्शियम की वजह से नहीं होता, कैल्शियम की कमी उसकी एक हिस्सा हो सकती है लेकिन वही इसका कारण हो ये जरूरी नहीं है। एक तो कैल्शियम कितना लूम है, कितने दिन लूम है, कब तक लूम है, कौन सा वाला लूम है, साथ में कैल्शियम विटामिन भी लूम ना लूम, ये सारी चीजें आपको डॉक्टर बताएगा जी, तो फायदा करेगा। अब ये दवाएं ऐसे बिक रही है, ऐसी बोली जा रही है, ऐसी एडवाइस दी जा रही है, आप मानो नहीं 60-70% ऑफ विटामिंस को हर मॉर्निंग दुनिया में फ्लश करते हैं लोग, क्योंकि बॉडी बहुत स्मार्ट है, वो एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं लेगी जी। आप कैल्शियम खाते रहिए, अगर जरूरत नहीं है तो नहीं लेगी, आप मॉर्निंग में से लैट्रिन में या स्टूल में निकाल देंगे जी। तो पूरा पैसे का वेस्टेज है, मगर एक कोई सिस्टम बन गया है,
हमको एक आसान तरीका चाहिए जी। उस आसान तरीके या शॉर्टकट से हम असली इलाज से दूर रह रहे हैं। तो हर विटामिन बॉडी जमा नहीं करती कि भाई चलो आया तो ले लूं रख लूं मैं फ्यूचर में काम आएगा, नहीं। बॉडी में सिर्फ फैट के अलावा कोई चीज जमा नहीं होती, बाकी हर चीज निकल जाती है। आप एक्सेस पानी पीजिए, आप ज्यादा बाथरूम जाएंगे जी, फिर रोक लेगा भाई गर्मी का सीजन है, मैं मेट्रो में जा रही हूँ ट्रेन में जा रही हूँ 8 घंटा में पानी नहीं मिलेगा मैं पानी पी लूं, नहीं। बॉडी बहुत स्मार्ट है जी, हर एक चीज अपनी जगह पे इतनी भगवान ने कुदरत ने परफेक्ट बनाई है कि उसका यहां से वहां होना मुश्किल है जी। जैसे वही खाना जो आप मुंह में खा रहे हो मजा दे रहा है, लेकिन वही चीज अगर दांतें फंस जाएगी आप परेशान हो जाओगे, आप ढूंढोगे वो चीज कि मैं कब निकालू कब निकालू, तो मुंह में है लेकिन वहां नहीं है जहां होना है उसे जी। तो इतना स्पेसिफिक बॉडी है, तो दवाएं जो लेना है आप डॉक्टर से मिलिए, उनकी राय लीजिए जी, टेस्ट करवाइए, समझिए क्या है क्या नहीं, क्योंकि इस टेस्ट से आपको आइडिया आएगी कितना लेना है, पैसे का वेस्टेज नहीं होगा, हामा का कैल्शियम खा रहे हो आप, विटामिन या मीन केमिकल्स खा रहे हो जी, तो जरूरी नहीं है आपके जी। डॉक्टर लोगों की ये भी सोच रहती है कि ये जो अगर डॉक्टर के पास चले गए तो खर्चा बढ़ेगा, बहुत खर्चा आएगा, इससे सस्ता तो केमिस्ट के पास या फिर किसी दुकान से मैंने अगर कोई छोटी मोटी गोलियां ले ली तो वो सस्ते में हो जाएगा। तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि अगर ये निगलेक्ट करते गए ये दर्द को और ऐसी छोटी मोटी दवाइयों से अपना टेम्परेरी इलाज करते गए तो बाद में कितनी मुश्किल हो सकती है। पुरानी कहावत है फॉर द सेक ऑफ अ नेल द हॉर्स वाज लॉस्ट जी। ऑस्टियोपोरोसिस के इतना डिसेंट क्यों हो रहा है कि उसका जो इफेक्ट है वो फ्रैक्चर ही है और फ्रैक्चर से लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो जाती है जी। तो थोड़ी बहुत बचत करके आप उस और ले जा रहे हैं अपने को जहां एक बड़ा फ्रैक्चर हो सकता है। और ऐसे ही आज के जमाने में जहां फैमिलियां छोटी हो जा रही है जी, जहां डिपेंडेंसी अपने आप पर बहुत आ रही है, खुद करना पड़ता है कुछ, तो उस पर अगर आपको फ्रैक्चर हो जाता है और आप पलंग पे आते हो तो मिजरेबल हो गई, डिप्रेशन जी, एक फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, अकेलापन, कोई हेल्प नहीं कर रहा है। आप मानो नहीं, हमारे क्लिनिक में हर थर्ड लेडी जो 45 के ऊपर की है जी, वो जब कुछ दर्द लेके आती है, घुटनों का हो या कमर का हो या हो, उसका ये होता है कि डॉक्टर ऐसा कर दो कि मैं किसी से पानी भी ना मांगू खुद ले लूं, क्योंकि सिस्टम ऐसा हो गया है जी, बेटियां काम कर रही है, बहुएं काम कर रही है, घर में कोई है ही नहीं, या बच्चे चले गए अब्रॉड पढ़ा के, तो ओल्ड एज में अकेलापन एक सिस्टम हो गया है जी, उस पर डिपेंडेंसी, तो सोचो फ्रैक्चर होगा तो क्या होगा आपको, तो किसी केमिस्ट से वो डॉक्टर थोड़ी है, वो तो पूछता भी नहीं आपको क्या क्या हो रहा है, आपने मां कैल्शियम दे दिया उसने। ये एक इशू है लीगल अपने इंडिया में जी, ऑल ओवर वर्ल्ड अलाउड नहीं है, मैंने बाहर 10 साल काम किया है, कहीं भी दुनिया में पेपर के बगैर केमिस्ट दवा दे सकता ही नहीं है, और अगर दे दिया तो उस पर स्टैम्प मारता कि दोबारा आपने लो, यहां पर तो एक दवा काम कर गई, वो चिट्ठी घर में है, फिर दर्द हो रहा है तो खुद से दवा मंगा ली कि क्यों जा डॉक्टर के पास, पता है जी, ट्राई करते हैं, और ये ट्राई आप अपने बॉडी पे कर रहे हो, आप मोबाइल पे ट्राई नहीं करते हो, गाड़ी में मोटर बाइक में आपके कट 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 कर आवाज आ रही है, आप तुरंत मैकेनिक जाते हो जी, भी आवाज क्यों आ रही है, ऐसा ना हो कि लंबा चक्करों में गिर जाऊं करके। तो वैसे ही छोटी मोटी चीज भी आपकी बॉडी में होती है तो उसे बराबर और कौन चीज डॉक्टर ही करेगा उसका जी, उसका डॉक्टर है, तो उसको मिलकर आप कहीं डेंजरस कॉम्प्लिकेशन या डेंजरस सिक्योरली बोलते हैं जो उसकी बात की उन्हें चीजें उससे आप बच सकते हैं जी। बिल्कुल डॉक्टर, अगर अभी आपने बताया कि हमें अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए तो कितना डेंजरस हो सकता है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है और बहुत ही अहम है, इम्पोर्टेंट भी है जी, क्योंकि जब हो ही ना तो तकलीफ आएगी नहीं, उसके लिए बहुत कम चीजें करनी है। एक तो ये कि आप अपने डाइट में रोजाना कैल्शियम की मात्रा जो रिक्वायर्ड है, जो 1500 मिलीग्राम कहा जाता है पर डे का, वो मिले वो मिलती है, भगवान के दिए, खुदा के दिए, कुदरत में हर चीज है जो कैल्शियम है, दवाई बनती कहां से, इसे बनाते हम जी। बिल्कुल, तो गोली खाते बेहतर है कि आप डाइट में देखिए, सिंपल नुस्खा है उसका कि 2 गिलास दूध एक सुबह एक शाम को, जिस तरह भी आप चाहें, फ्लेवर्ड भी लें, मिल्कशेक बना लें, कुछ भी कर लें, लेकिन एक सुबह और एक शाम को, दोपहर को खाने में एक बोल दही का हो किसी भी तरीके से, या छाछ हो, लस्सी हो जी, दही रायता हो या प्लेन कर्ड हो, वो ले, 2 बनानास दिन में कभी भी खा लेते भूख लगे तो, सस्ता सुंदर टिकाऊ और इजीली अवेलेबल है ऑल द ईयर राउंड, बना ले, और रात के खाने में खास करके कोशिश करें
के हरी सब्जियां, पालक, मेथी, ये चौला ये रहे, इससे वो मिनरल मिलते हैं जो कैल्शियम को हेल्प करते हैं। तो हमने कैल्शियम भी लिया और सवेरे अपने आप को एक्सपोज करें, सवेरे कोई भी एक्टिविटी करें। हर धर्म में मॉर्निंग का अहमियत है जी। फिर सुबह की नमाज हो, सुबह की पूजा हो, सूर्य दर्शन हो, ये सूर्य नमस्कार हो, ये सूर्य को पानी अर्पण करो, जो करना है आपको, आप मॉर्निंग की अर्ली मॉर्निंग के जो सनलाइट के पहले के 2-3 मिनट और बाद के 5-6 मिनट अपने आप को एक्सपोज कर दो जी। हमारे मैं कहता हूँ जाके मस्जिद ना पढ़ लो, आप में मंदिर चले जाओ पूजा करने के लिए जी। कहीं भी जाओ, वॉक पे जाओ, जॉग पे जाओ, मूव करो, जस्ट वो एक 5-7 मिनट का एक्सपोजर विटामिन डी के लिए बहुत काफी है जी। तो वो कर लिया हमने, कैल्शियम पूरा हमने ले लिया, 2 बार दूध 2 बनाना, सब्जियां हरी, रात को 1 बोल दही का ले लिया हमने, और अगर भूख लगे तो ड्राई फ्रूट में वॉलनट्स काफी अच्छे हैं और सेफर भी है फॉर फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल पॉइंट ऑफ व्यू, तो वॉलनट थोड़ा खा लिया। तो ये चीज आप अगर करते रहेंगे अपने डाइट में तो आपको कैल्शियम दिन भर का मिल जाएगा, आपको नौबत ही नहीं आएगी। फिर अगर कोई तकलीफें आ रही है, पेन कंप्लेन, उसको इग्नोर ना करें, पहली फुर्सत में पहली टाइम में जाके डॉक्टर को दिखा दे, पूछ ले जी। नहीं है तो खुद बोलेगा नहीं है, तो पकड़ लेगा। तीसरा, कुछ उम्र के बाद 45 के बाद हमें अपने कुछ ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, टेस्ट उसमें ये डेक्सा होना चाहिए जी। डेक्सा या कैल्शियम करा लिया, ओके ठीक है मैं देख लिया। हम गाड़ियों में जानते हुए कि मेरे हर 3 में मुझे फ्यूल भराना है, फिर भी फ्यूल काटा होता है, मेरा फिक्स है जी। मगर वो बताता है मेरे को, तो वैसे कांटे हमारे बॉडी में, ब्लड टेस्ट है, एक्सरे नहीं है, हमें वो चेक करना है कि मैं सही हूं कि नहीं जी। ये हो गया। तीसरा, एक्टिविटी, जैसे हमेशा मैं कहता हूं कि हरकत में बरकत है जी। हरकत में बरकत है, जो नहीं हलता वो मैयत है, डेड बॉडीज डोंट मूव जी। तो आप कुछ भी एक्टिविटी करते रहिए, कोई भी एक स्पोर्ट, स्विमिंग इज द बेस्ट, में कोई जरूरत नहीं पड़ती है हमको, कुछ सामान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए जी। अपनी अंडरगारमेंट लिए चले गए और कभी भी करके आ गए, तो स्विमिंग इज अ गुड थिंग। अर्ली मॉर्निंग वॉक है, कोई भी गेम जो पसंद है आपको, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, जो भी वो करे, उससे मसल्स आपके होते हैं स्ट्रेच, और मसल स्ट्रेच हो गए तो ब्लड इंप्रूव होगा, ब्लड इंप्रूव होगा तो बोन को ब्लड मिलेगा, और जो आप कैल्शियम खा रहे वो पहुंचेगा जी। तो एक्टिविटी, प्रॉपर एक्सरसाइज ऑन टाइम, सनलाइट से एक्सपोजर, डाइट में कैल्शियम, और हर चीज कंप्लेन को इग्नोर ना करें जी। ये कंप्लेन बॉडी का एक इशारा है आपको जी, एक लाइट है, तो उसे आप दिखा दो, पूछ दो किसी को और इलाज कर लो। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरूरी है, हम डॉक्टरों के लिए ये बहुत जरूरी है इलाज करना, लेकिन उससे बेहतर ये कि कैसे हमारे पास नहीं आना, ये हमारे प्रोफेशन कंप्लीट करता है जी। कि हम आपको ठीक तो कर दे, मगर साथ में ये एडवाइस करें कि दोबारा हमारे पास आपको आना ना पड़े जी। और आप सीखोगे तो और भी सिखाओगे, ईच वन टीच वन, वो बातें और फैलेगी, और ये माध्यम से तो हम पहुंच ही रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो समझाया, और लोगों को कि भाई डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ वहां इलाज मत करो, हर चीज का एक जगह होता है। अगर हम कोई चीज खरीदेंगे स्टॉकिस के पास या ऑथर दिल के पास है, तो गारंटी वारंटी काम आती है, रस्ते पे खरीदेंगे तो कुछ नहीं उसकी वैल्यू, वो तो दे दिया चल गया चल गया, नहीं चल गया नहीं चल गया। तो आप जो बातें आज सुनी उसको और लोगों तक पहुंचाएं जी, और लोगों को हमारे पास न आने से रोके। थैंक यू, थैंक यू सो मच डॉक्टर। दोस्तों, आज के एपिसोड में डॉक्टर अब्बासी ने जो बातें हमें बताई, अगर हम उन पर ध्यान दें तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही कई और विषयों पर जानकारी लेने के लिए हम मिलेंगे संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें।